तो हे गाइस, अगर आप भी एपीएस का काम करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, एपीएस का काम करते रहना चाहिए, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और जो भी मैं अपडेट लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए और उस वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि गाइस, आप सभी को पता है L1 डिवाइस ही चलेगा, L0 डिवाइस अब नहीं चलेगा। L1 डिवाइस के अंदर जो सिक्योरिटी होंगे वो बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, ठीक है। और L0 का जो डिवाइस है उसमें भी सिक्योरिटी है, लेकिन हाई क्वालिटी का सिक्योरिटी उसके अंदर नहीं है, जिस वजह से उस डिवाइस को बंद करके अभी NPCI ने अलाउ किया है L1 डिवाइस। अगर आप L1 डिवाइस ले लिए हैं, परचेस कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने परचेस नहीं किए हैं वो 30 तारीख तक बंद हो जाएगा, और 30 तारीख के बाद आप उस डिवाइस को यूज़ करेंगे तो जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो फेल्ड हो जाएगा, ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अभी जिस तरह का APS यूज़ हो रहा है CSP के अंदर, उसमें 20,000 का लिमिट इंक्रीज किया गया है, उसी तरह हो सकता है कि प्राइवेट जो भी APS कंपनी है उनको भी लिमिट बढ़ा दिया जाएगा, उसका इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो आपको भी मिल जाएगा 20,000 का ट्रांजेक्शन, आप भी कर सकते हैं बायोमेट्रिक के जरिए। तो ये तो पॉसिबल हमें लग रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म हम नहीं बता सकते। तो चलिए अभी हम लोग वेट करते हैं कि NPCI के नियम है तो प्राइवेट APS कंपनी के ऊपर भी ये लागू होना चाहिए, और होगा तो आपको भी मिलेगा। बहुत सारे बैंक जो है 5,000 का ट्रांजेक्शन लिमिट दिए लगा के रखा है, कोई 20,000 लगा के रखा है, कोई 10,000 लगा के रखा है। तो जिस तरह का आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको NPCI के तरफ से अब बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। तो आप सभी के पास अगर L1 डिवाइस हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिनके पास नहीं हुआ है और लेना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और L1 डिवाइस लेकर के आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर 30 तारीख के पहले अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका पुराना जो डिवाइसेस है वो बंद होंगे, ये आप काम आपका चालू रहेगा, काम आपका बंद नहीं होगा। अगर आप पुराना ही चला रहे हैं L0, 30 तारीख के बाद वो काम करना बंद हो जाएगा, और आप काम करेंगे तो वो फेल्ड हो जाएगा, ट्रांजेक्शन सक्सेस नहीं होगा उसमें। तो आज के इस वीडियो के अंदर यही जानकारी था। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और भी अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।